तो ना बन गया है मटन फास्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पूजा रिदम राज ब्लॉग पे। तो आप सभी के सामने आज मैं ब्लॉग वीडियो नहीं रेसिपी की वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ का जो फेमस ट्रेडिशनल डिश है ना, तो उसकी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो मेरे वीडियो पे जो है बने रहिएगा, मैं कैसे बनाती हूँ तो सब कुछ जो है आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो बनाना शुरू करती हूँ फटाफट, क्योंकि हमारा दिन का लंच भी यही है आज। तो मैंने आग भी जला दिया है और मैं जो बना रही हूँ ना, तो यहाँ का जो है लोकल फेमस डिश है वो, और उसके लिए क्या क्या लगता है और कैसे बनाते हैं तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आलू भी काट दिया है और साथ में प्याज और टमाटर, और ना मैंने गिलास भी पीस दिया है मसाला। तो ना मैं तंदूर पे ही बना रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है इसलिए गैस पे नहीं बनाऊंगी, तंदूर पे बनाऊंगी और अच्छे से बन भी जाएगा। और चूल्हे पे बनाते हैं ना खाना तो चूल्हे का अच्छा अलग सा टेस्ट आता है। और मटन वाला बना रही हूँ, और जो डिश बना रही हूँ ना उसको बोलते हैं फाक्से, यहाँ का फेमस डिश है। तो यहाँ पे लोग जो है ना हफ्ते पे 2 बार जरूर से खाते हैं बनाकर। वैसे ना ये बैज भी बनता है और बैज भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन ना मटन वाला बनाएंगे और मटन वाला फाक्से ना गर्म भी होता है और अपने शरीर के लिए ना सर्दियों पर अच्छा भी होता है। तो ये रहा मटन, मटन का बनाऊंगी फाक्से। और ये जो मटन है ना यहाँ पे तो नहीं मिलता है ना, सर्दियों पे मार्केट बंद हो गया, तो हमारे देवर जी रामपुर गए थे और कल मंगवाया था मैंने, तो थोड़ा सा ना मैंने फाक्सी बनाने के लिए रखा था। तो ये ना बड़े बड़े पीस है ना, तो इसको छोटे छोटे बनाऊंगी। प्याज ना अच्छे से पक गया है तो इतना ही पकाएंगे प्याज को इस डिश के लिए। तो इस पे डालेंगे मसाला, तो ये मसाला मैंने खुद से पीस के बनाया है। तो इस पे है लहसुन, अदरक, जीरा और लाल मिर्च। तो इस पे डालेंगे हल्दी, तो हमारे पास ज्यादा मसाला तो नहीं है ना, इतना ही मसाला डालेंगे, फिर भी अच्छा होता है। ये है टमाटर, 2 टमाटर काटे हैं मैंने क्योंकि कम ही बना रही हूँ ना। तो इसे डालूंगी मैं 2 चम्मच छोटे चम्मच के, ये 3 किचन मसाला है। तो रखते हैं थोड़ी देर टमाटर को पकने के लिए, तो तब तक जो है मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे ना आटा गूंथ के क्या करना, जो मैं फाक्सी डिश बना रही हूँ ना वो आटे का ही बनता है। तो आटा गूंथती हूँ फटाफट, और आटा गूंथने तक ना ये मेरा मसाला भी पक जाएगा। तो देखते हैं टमाटर भी पक गया है, तो टमाटर भी जो है अच्छे से गल गया है। तो ना मैंने पानी डाल के टमाटर नहीं पकाया ना, क्योंकि टमाटर पक गया है, तो उस पर डालेंगे मटन को, और मटन को भी ना मैंने छोटे छोटे पीस बना दिया है इतना इतना। तो रखते हैं मटन को थोड़ी देर फ्राई होने को। तो मेरा मटन भी ना अच्छे से फ्राई हो गया है, मैंने इसको 10-1 मिनट ना फ्राई कर लिया है। तो फ्राई करने के बाद जो है ऐसा हो गया है ये मेरा मटन। तो अब इस पे डालेंगे पानी, तो अभी ना इस पे इतना ही पानी रखेंगे।
इतने पानी पे जो है ये हाफ पक जाएगा। तो ना इसको हम हाफ ही पकाएंगे क्योंकि ना अभी जो है, और ना अभी हमने आलू को भी नहीं डाला है। आलू को डालेंगे तो आप सभी को तो पता है ना मटन पे ज्यादा सिटी लगता है, और ये आलू ना बिल्कुल ना वो बन जाएगा, गल जाएगा, इसलिए आलू को भी बाद में डालेंगे। तो हम तो मटन का बना रहे ना, आखिर कभी आप सभी जो है वेज बनाओगे ना तो वेज पे लगेगा आलू, गाजर, शिमला मिर्च और साग हो गया, कोई भी साग, पालक या भाजी या सरसों डाल के ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसलिए मटन को, इसलिए तीन, मतलब इस मटन पे ना तीन ही सिटी लगाएंगे, और अभी ना आलू के साथ भी मटन पे सिटी लगेगा और आटे के साथ भी लगेगा, इसलिए तीन सिटी लगाते हैं। और मैंने ना आटा भी गूंथ लिया है, तो ये रहा आटा। तो इस आटे का ना मटन पकने तक ना इस आटे का छोटे छोटे गोले बना लेती हूँ। तो हम बनाएंगे इतने छोटे छोटे गोले। तो अनु ने ना अभी तक कभी भी नहीं खाया है, इसलिए मैंने अनु को बोला ये बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ का फेमस माना हुआ डिश है, तो अनु को भी खिलाऊंगी आज। और ना मैंने आटे का गोला भी कर दिया, तो इस तरह से जो है आटे का गोला बनाते हैं, और मैंने बना दिया है, और इतने से ना हमें हो जाएगा। तो चार सीटी लग गया है ना, तो निकालते है मटन को। अभी ना हमारा जो ये मटन है ना हाफ ही पकाया है हमने, क्योंकि आटे को भी ना पकाने के लिए सिटी ही लगाना पड़ेगा, तो आटे के साथ पक जाएगा। तो इस पे डालेंगे हम आलू, तो इस पे डालेंगे फिर से पानी, तो इतना ही पानी रखेंगे। और अब डालेंगे आटे के गोले को, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, ये एकदम से बन जाते हैं, जल्दी का जल्दी, टेस्टी का टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हमारा तो काफी टाइम से मन था ना, हस्बैंड जी का तो फेवरेट है, बोल रहे थे ना बनाओ, फिर मैंने बोला बहुत भारी जो हमने वेज खा लिया तो नॉन वेज बनाएंगे, इसीलिए वेट कर रहे थे, आखिर पे मटन भी आ गया कर। तो इसको ना हम हल्का ही चलाएंगे, नहीं तो ये आटे का जो पीस है ना गोला, ये इकट्ठा हो जाएगा। बस अब लगाएंगे हम सिट्टी, फिर से लगाएंगे हम सिट्टी, पहले मटन पे चार सिट्टी लगाए थे ना, तो इस पे लगाएंगे हम तीन सिट्टी। तो ना हमारा फाक्सी भी पककर तैयार हो गया है, तो इस पे ना हमने चार सिट्टी लगा दिया है। बच्चे भी पहुंच गए बाहर खेल के, और ना अभी उन्हें हॉस्टल भी जाना है, तो फटाफट हम अब लंच करेंगे, फिर दीव को भी छोड़ना है नहा के। तो देखते हैं ना कैसा बनाया मैंने आज मटन फाक्सी, और अनु को पहली बार खा रही है। तो ना बन गया है मटन फाक्सी, धन्यवाद करके खाओ। ये हमारा खाना है कि मासी बताएगी, मासी पहली बार खा रही है। ले नु खा के बताते कैसे बना है। तो मैं ये पहली बार ही खा रही हूँ, अब देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट करके पता लगेगा कि कैसा बना है। बता तो खा के तभी डालूंगी मैं हमारे को, मैंने सुना ही था, आज तक मैंने खाया नहीं है, तो आज पहली बार दीदी ने बनाया, तो मैं पहली बार टेस्ट करी हूँ कैसा है, तो खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, और
मतलब अच्छा है, नाश्ते के लिए भी अच्छा है, जैसे कभी टाइम नहीं लगेगा तो जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत टेस्टी बनता है। क्या बोल रहे थे तू? अच्छा स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा बना है, तो हम ये खा लेंगे तो हस्बैंड जी के लिए भी रख देंगे। तो यही था हमारा आज का रेसिपी वाला वीडियो और हम आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और फाक्सी का ना वेज वीडियो देखना चाहोगे तो ज़रूर से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।